प्रियंका गांधी बीते दिन राजस्थान के दौरे पर आई। 10 सितंबर को उन्होंने राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में जनसभा को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी ने राजस्थानी भाषण से इसकी शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी ने कहा, राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने आगे कहा, लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता में कौन लाया। बीजेपी के नेताओं के मन में अहंकार आ गया है। प्रधानमंत्री अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे, वो आज करोड़ों के काफिले में घूम रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ सत्ता पकड़ कर रखने में है। कितनी सरकारें उन्होंने ऐसे ही गिरा दी, किसी को पैसा खिलाकर, किसी को डराकर। आप भी देखिए यह वीडियो, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीति का बाजार गर्म हो गया। बता दे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने टोंक के निवाई में ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने पहुंची थी। योजना शुरू करने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार को घेरा। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने बटन दबा कर 400 इंदिरा रसोई का शुभारम्भ किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। कहीं न कहीं प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लाकर एकता का संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि जनसभा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं।